है जाति टूटे या कौन नहीं चाहता है जाति रहे, एक बूंद से सब उपजे हैं, कौन बावन कौन सूदा, जाति के हथियार से ही जाति को काटो। कांशीराम जी ने कहा कि भाई अब तो मैं समझ गया हूँ कि जाति खत्म नहीं हो सकती भारतीय समाज में, तो अब उसको खत्म करने की जो लड़ाई है उन्होंने कहा जाति से ही लड़िए, तो आज जाति से लड़ने की बात हो रही है, तो जातीय जनगणना का प्रश्न आ रहा है। जाति टूटे या कौन नहीं चाहता है जाति रहे, और ये फिर पी साईनाथ की किताब के टाइटल के तर्ज पे मैं कहना चाहता हूँ, एवरी वन लव्स गुड ड्रॉथ, तो हर कोई जाति चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जब मैं कह रहा हूँ तो ये मैं इतिहास में इसको दूर करने की जो कोशिशें हैं उनको नकार रहा हूँ। आपको याद होगा कि महात्मा बुद्ध ने अभिसंज्ञा का विरोध किया और उन्होंने कहा जाति बेस्ड अभिसंज्ञा, और उन्होंने शाक्य से कहा कि भाई तुम अपने को श्रेष्ठ समझते हो, कोलिये से कोलिये कौशल से समझेगा तो समाज कहाँ जाएगा। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ भारतीय इतिहास में, भक्ति आंदोलन जिसको आप जानते हैं, जो जाति के खिलाफ का बहुत बड़ा आंदोलन था। तो बुद्ध का आंदोलन भी एक जगह जा करके कहीं इस प्रश्न का उत्तर खोजने में असफल हुआ। भक्ति आंदोलन ने इतनी कोशिशें की, एक बूंद से सब उपजे हैं, कौन बावन कौन सूदा से चला वो आंदोलन, उसने भारतीय समाज में बहुत परिवर्तन किए, बुद्ध ने भी परिवर्तन किए, लेकिन भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है इतना जटिल है कि मुझे लगता है एक समय के बाद जैसे होता है ना कि तीर जाके टूट जाए, तो तीर जाके कहीं ना कहीं टूट जाती है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए, ये माना गया कि मॉडर्निटी और डेमोक्रेसी आकर के जाति को ख़त्म करेगी, लेकिन आपने देखा कि मॉडर्निटी की गति क्या हुई, अभी फिलहाल ने बताया मॉडर्निटी एट लार्ज भी कहाँ पहुँचा, पोस्ट मॉडर्निटी भी आई तो कहाँ गई, प्रश्न ये सारे जो जाति के का उत्तर किसी के पास नहीं। हम लोग आज कहते हैं कि डेमोक्रेसी कास्टोक्रेसी में बदल गई है, हम लोग कहते हैं कि मॉडर्निटी का एक तरह से कास्टिडिटी में बदल गई है। तो ये जो पूरा एक क्या है ऐसा जिसके कारण ये सारे जो मूव हैं वो असफल हो रहे हैं। अभी भी अंबेडकर का एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रोजेक्ट था जाति के खिलाफ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और उन्होंने बहुत सारे रास्ते सुझाए जो आज भी प्रैक्टिस में हैं और हमारे लिए वो रास्ते भी देते हैं। उन्होंने माइग्रेशन कहा, माइग्रेशन गाँवों से, क्योंकि गांव एक फ्यूडल सोसाइटी है, जाति वहां जीवित रहती है, माइग्रेशन होगा तो मोबिलिटी होगी और जाति की पहचान कमज़ोर होगी। कुछ हुआ भी, लेकिन कांशीराम ने आके कहा कि माइग्रेशन ठीक है, और हमने अम्बेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ के समझा, जब पढ़ लिया तो मुझे समझ में आया कि भारतीय समाज से जाति को ख़त्म अगर करना है तो उसको जाति से ही काटना पड़ेगा, तो जाति के हथियार से ही जाति को काटो का उन्होंने एक पॉलिटिक्स की एक लंबे समय तक, और अंततः वो पॉलिटिक्स भी एक जगह जाकर के जाति को ख़त्म करने में असफल हुई। भाइयों सारी जातियों का नाम लेते थे अपनी सभाओं में और फिर कहते थे बहुजन हैं ये लोग और अब सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो लड़ाई भी एक जगह जाके ख़त्म हुई। और माइग्रेशन ने, ये ठीक है कि माइग्रेशन एक स्पेस है जो आपको जो ओरिजिनल रेफरेंस ऑफ कास्ट से मुक्त करती है, और वो आपको बहुत सारे जातियों को बदलने की छूट भी देती है। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग नैरेटिव है, मुंशी रहमान खान सुरिनाम गए, और सुरिनाम जब मुंशी रहमान खान बुंदेलखंड के थे तो उन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी मेरा जीवन प्रकाश नाम से। तो जाति से निकल के जो लोग जाति से मुक्ति की लड़ाई लड़ते हैं वो भी एक समय के बाद जाके जाति के ट्रैप में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये क्या है, जाति क्या भावना है, या जाति एक इंस्ट्रूमेंटलिटी है? मुझे लगता है कि जाति एक भाव भी है, लेकिन जाति एक उपयोग, यानी खास करके जो आगे बढ़ा हुआ समाज है या जो आगे बढ़ना चाहता है वो जाति को एक उपयोग का उपयोग करता है अपने को बहुत सारे फायदों के लिए। तो एक उपयोगितावादी जो इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी जाति को देखना चाहिए। जाति मात्र भाव नहीं है, उसी से आप भाव जनरेट करते हैं।
यानी कई बार जो समाज के शक्तिवान लोग हैं वो जाति के भाव को अपने फायदों के लिए, अपने मोबिलाइजेशन के लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे कल्चर है, चाहे सोसाइटी है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट चला जाति के खिलाफ, कम्युनिस्ट आए, उन्होंने कहा जाति नहीं होनी चाहिए, प्रोलेटेरियत होना चाहिए कि और इसका उत्तर किसी के पास नहीं है और न किसी को उत्तर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक विचित्र किस्म का, वो जिसको कहते हैं ना कि वो ख़त्म भी होके फिर जी जाता है, वो फिनिक्स की तरह का मामला है जाति का, वो आप में ख़त्म होता है और फिर उभर जाता है, अगर उभरे नहीं तो उभार दिया जाता है। कई बार आपको कंडीशंस होती हैं जो उभार देती हैं। मैं आपको छोटी सी बात अपनी एक कथा सुनाऊँ, अपनी बात बताऊँ। जब मैं JNU में प्रोफेसर होकर के आया तो मेरे जो आर्टिकल्स छपते थे अखबारों में उनको पोस्टर लगा दिया जाता था, बद्री नारायण तिवारी की आर्टिकल पढ़िए। तो बद्री नारायण तिवारी जो बद्री नारायण था JNU में आने के पहले, उसका तिवारी को जगाने की पूरी कोशिश हुई। एक तो ये कथा है, दूसरी कथा है कि एक ने कहा कि अरे वो तो IIC में किसी प्रोफेसर को मिले, कहा अरे वो तो दलित है लेकिन लिखता अच्छा है। कांशीराम जी ने कहा कि भाई अब तो मैं समझ गया हूँ कि जाति खत्म नहीं हो सकती भारतीय समाज में, तो अब उसको ख़त्म करने की जो लड़ाई है उन्होंने कहा जाति से ही लड़िए, तो आज जाति से लड़ने की बात हो रही है, तो जातीय जनगणना का प्रश्न आ रहा है, फिर उस जातीय जनगणना से भी हम क्या करेंगे, एक तरह के ठीक है कि रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी बनाने में मदद होगी, लेकिन जाति भाव तो जगेगा, क्योंकि जब जब सेंसस हुआ है तब तब जाति के जो बोध है वो जगह है। आप हिस्ट्री देख लीजिए, सुमित सरकार की किताब पढ़ लीजिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन से। और जो ये जाति है, मतलब ये जाति बुरी, इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं जाति बुरी है, तब हम उससे मुक्ति चाह रहे हैं। लेकिन हम जब गाँव में जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, तो कभी मैं जाति नहीं सुनता, बिरादरी। जैसे किसी से पूछेंगे तो बड़ा वो कहेगा किस बिरादर के हैं आप, किस बिरादरी के हैं, थोड़ा और आप एग्रेसिव होंगे तब कहेगा हम इस जाति के हैं, ज़्यादा आप उसको पोक करेंगे तब वो जाति बताएगा आपको। पहले वो जाति नहीं बताना चाहता, पहले वो बिरादरी कहना चाहता है। वैसे ही एक दलित जब अपने गाँव में होता है तो वो अपनी जाति से अपने को संबोधित करता है, जब वो ब्लॉक में जाता है तो SC होता है, जब वो पॉलिटिकल रैली में जाता है तो बहुजन होता है। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के बीच हम जीते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक आइडेंटिटी को लोग फिक्स कर देते हैं और स्पेशली पॉलिटिक्स उसको फिक्स करती है। तो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है इस जाति बोध को जगाने में, स्टेट क्राफ्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है इसको बनाए रखने में, और चूँकि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, उससे उनको मोबिलाइजेशन की बहुत आसान स्ट्रेटजी मिल जाती है। जो मोबिलाइजेशन डेवलपमेंट पर होना चाहिए वो डेवलपमेंट के बेस पे होना चाहिए, या सेकुलर बहुत सारे न्यूट्रल मुद्दों पे होना चाहिए, उसकी जगह जाति और धर्म के तरह के बोध या भाव आपको मिल जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग वाक्य आपको हम बताएं, महाराष्ट्र में अभी हम लोग फील्ड वर्क कर रहे थे न्यू बुद्धिस्ट समुदायों के बीच, और हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उनकी कल्चरल वो है। तो एक इंटरेस्टिंग कहानी मिली, वहाँ लोगों ने कहा कि भाई हम लोग SC रिजर्वेशन वाला कॉलम नहीं भरते हैं, क्यों, हम बुद्धिस्ट वाला माइनॉरिटी वाला भरते हैं। तो हम लोगों ने कहा भाई माइनॉरिटी तो बहुत कम है उसका प्रतिशत, और उसमें ज़्यादा है, आप उसको क्यों नहीं भरते हो। कहा नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हम SC नहीं होना चाहते, यानी जो जातीय स्ट्रक्चर में हम वहाँ नहीं जाना चाहते, भले ही हमें थोड़ा मिले लेकिन हम इससे खुश हैं क्योंकि हमने यहाँ एक इक्वालिटी एक्वायर की है। तो ये भी एक क्रिटिक है, और मुझे लगता है कि इस क्रिटिक को भी समझना चाहिए। और इस तरह से मेरा कहना है कि जो धर्म है, कई बार धर्म की प्रोग्रेसिव भूमिका होती है, और ये प्रोग्रेसिव भूमिका कई बार मदद करती है, जो अभी हिलाल कह रहे थे कि धर्म को भी हमें नए ढंग से देखना होगा कि वो इसमें मदद कर सकती है। लेकिन जो पहले हमें था कि धर्म हमेशा ही रिग्रेसिव होता है, धर्म के भी पॉजिटिव रोल होते हैं। जाति जब इतनी आसान एक भाव है तो इससे मुक्ति की लड़ाई कौन लड़ेगा, यानी जिनसे लड़ने की आशा थी वो तो हार चुके, उन्होंने छोड़ दिया, तो अब कौन लड़ेगा, ये प्रश्न मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। और हमें ये देखना होगा, अच्छा जाति में जैसे मैंने आपको बताया कि बिरादर, एक और इंटरेस्टिंग बात वाकया है, बिहार में एक जाति है जो सबॉल्टर्न कम्युनिटी है लेकिन ब्राह्मण के हाथ का पानी नहीं पीती है,
ब्राह्मण के हाथ का छुआ हुआ पानी वो नहीं पीती है, क्योंकि ब्राह्मण उसके लिए अनटचेबल है, वो कहता है वो अनटचेबल है। तो सबवर्जन का लेवल देखिए आप, कि क्या आज हम अपने समाज में फिर से वो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी याद करिए, पंचलाइट, क्या हम उस पंचलाइट के एज में फिर से जा रहे हैं, जहाँ पर एक हर जाति की अपना वो होगा, चौधरी होंगे, हर जाति का वो होगा और पंचलाइट सब जाति का होगा, लेकिन फर्क ये है कि उसमें गोवर्धन एक ही था जलाने वाला, आज सभी के गोवर्धन, सभी गोवर्धन हैं, सभी के पास शक्ति है पंचलाइट जलाने की, लेकिन हमारी लाइट ज़्यादा चमके, उसकी लाइट कम चमके, और वो इसलिए नहीं क्योंकि भाव है, वो इसलिए क्योंकि उपयोगितावादी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नज़रिया है। तो मेरा मानना है कि एक पैराडाइम है सोचने का कि जाति सिर्फ भाव नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नज़रिया है, और इस तरह से भी सोचा जाना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।